दोस्तों आज के मॉडर्न दौर में स्पीकर हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल घर में लगे टीवी से लेकर डीजे में भी होता है, क्योंकि ये डिजिटल डिवाइस से कनेक्ट होकर एनालॉग सिग्नल को साउंड वेव में कन्वर्ट करता है, जिसे हमें किसी भी डिवाइस से म्यूजिक वगैरह सुनाई देता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि स्पीकर को फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है और उसके साथ साथ इसके वर्क को भी 3D एनिमेशन से समझेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अब नंबर पहले पर आता है इलेक्ट्रिक स्पीकर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों बचपन में जब हम स्पीकर देखते थे तो उसमें लगा मैग्नेट हमें अपनी ओर आकर्षित करता था, जिसे हम निकाल कर खेलने लगते थे, क्योंकि दिमाग छोटा होने के कारण हमें इस चीज का नॉलेज नहीं था कि इसका वर्क क्या होता है। इजीली आज हम स्पीकर के सभी पार्ट को समझकर इसके वर्किंग प्रोसेस को देखेंगे। तो स्पीकर का सफर स्टार्ट होता है उसके मैग्नेट से, जिसमें दो पोल होता है, पहला नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन टॉप और बॉटम प्लेट से किया जाता है। दोस्तों इन दोनों पोल को एक सरफेस पर लाने के लिए नीचे वाले प्लेट को कुछ इस तरह लगाते हैं, जिस कारण नीचे का साउथ पोल ऊपर आ जाता है। फिर इस मैग्नेट के ऊपर बास्केट लगाकर वॉइस कॉइल को लगाते हैं। दोस्तों ये वॉइस कॉइल स्पीकर का सबसे मेन पार्ट होता है, जिसे करंट मिलने पर मोटर की तरह वर्क करता है। दोस्तों आप इस बात को कुछ इस तरह समझ सकते हो कि इस कॉइल को मैग्नेट के गैप में लगाकर ऊपर नीचे फ्रीली मूव कराते हैं, जिसके ऊपर एक स्पाइडर और डायफ्राम भी लगा होता है। दोस्तों अब बात ये आती है कि कॉइल ऊपर नीचे मूव कैसे होगा, तो मैं बता दूं स्पीकर जिस डिवाइस से कनेक्ट होकर साउंड प्रोड्यूस करता है उसमें एक एम्पलीफायर होता है जो कॉइल में एनालॉग सिग्नल देता है। दोस्तों ये एनालॉग सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही होता है, जिस कारण कॉइल में करंट जाने के बाद कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह रिएक्ट करने लगता है, जिसे कॉइल में नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाता है। परंतु ये कॉइल परमानेंट मैग्नेट पर लगे होने के कारण दोनों के लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, जिस कारण कॉइल ऊपर नीचे होने लगता है और कॉइल पर लगा स्पाइडर तथा डायफ्राम भी मूव होने लगता है, जिससे हवा में कुछ इस तरह का पैटर्न तैयार होता है और साउंड हमारे कानों तक सुनाई देता है। दोस्तों ये तो रहा स्पीकर का वर्किंग प्रोसेस। अब चलिए इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके बॉडी यानी बास्केट को बनाते हैं, जिसके लिए स्टील सीट के बंडल को पंचिंग मशीन में डालकर दबाव देते हैं, जिससे सीट बास्केट के शेप में आ जाता है। फिर इन बास्केट को फ्यूचर में रस्ट से बचाने के लिए इन पर जिंक वाटर का स्प्रे करते हैं। फिर इसे हीटर के रास्ते पास करके इस पर लगे वाटर को सुखाते हैं, जिसे बास्केट बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इनमें लगने वाले डायफ्राम को बनाने की, जो वॉइस कॉइल के ऊपर वाइब्रेट होकर साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले वेस्ट कार्डबोर्ड पेपर को कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर क्रशिंग मशीन में डालते हैं, जो इन्हें छोटे छोटे पीस में करके बाहर निकाला जाता है। फिर एक कंटेनर में वाटर डालकर पेपर के छोटे छोटे पीस के साथ मिक्स करते हैं, ताकि यह पल्प के रूप में आ जाए। दोस्तों ये प्रोसेस तब तक किया जाता है जब तक पेपर वाटर के साथ पूरी तरह घुल ना जाए। फिर इन पल्प को दूसरे मशीन में ट्रांसफर करके एक जाल नुमा सांचे को इसमें डुबाते हैं, जिससे पल्प कोन के शेप में आ जाता है। अब पानी छन जाने के बाद कोन को बाहर निकालते हैं, फिर इसे दूसरे मशीन में डालकर दबाव देते हैं, जिससे ये कोन डायफ्राम के एक्यूरेट स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब इसे बाहर निकाल कर दूसरे मशीन पर भेजते हैं, जहाँ इस पर दो वायर अटैच करके डायफ्राम को पूरी तरह तैयार कर लिया जाता है। अब बारी आती है वॉइस कॉइल बनाने की, जिसके लिए प्लास्टिक रोल पर पॉलीथीन लगाकर वाइंडिंग मशीन में सेट करते हैं। फिर इस पर कॉपर वायर को एक राउंड लपेटकर मशीन को स्टार्ट करते हैं, जिसे कॉपर वायर रिंग के रूप में तैयार हो जाता है। अब कॉपर वायर को कटिंग करके बाहर निकालते हैं और इसे दूसरे यूनिट में भेजकर कंप्रेसर मशीन से दबाव देते हैं, जिससे कॉइल के अंदर का प्लास्टिक रोल बाहर निकल जाता है। फिर कॉइल को दूसरे मशीन में डालकर उस पर ग्लू लगाते हैं और ग्लू लग जाने के बाद पेपर स्ट्रिप लगाकर दो वायर को अटैच करते हैं। फिर एक रॉड में कॉइल लगाकर इसके रेडियस को चेक करते हैं और इससे स्पीकर का सारा पार्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जब मैग्नेट के बॉटम प्लेट पर ग्लू लगाकर मैग्नेट पर भी लगाते हैं।
फिर इन दोनों को चिपका कर ऊपर टॉप प्लेट को रखते हैं और इस पर बास्केट लगा कर स्क्रू टाली कसते हैं। फिर क्वाइल पर ग्लू लगा कर बास्केट के बीच में सेट करते हैं। दोस्तों इसी क्वाइल में करंट देने पर क्वाइल वाइब्रेट करने लगता है। फिर स्पाइडर पर ग्लू लगा कर क्वाइल के ऊपर चिपकाते हैं जो वॉइस क्वाइल को सेंटर में रख कर अपनी जगह से हिलने नहीं देता। फिर उसके ऊपर डायफ्राम को लगाते हैं जो क्वाइल के ऊपर मूव करके वाइब्रेशन क्रिएट करता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। अब डायफ्राम के ऊपर ग्लू लगा कर डस्ट कैप को लगाते हैं ताकि डस्ट क्वाइल के अंदर ना जाए। फिर इसका क्वालिटी चेक करने के लिए इसे यूवी लाइट से पास करके इसके बेस इफेक्ट को चेक करते हैं। अब इस पर कंपनी का ब्रांड चिपका कर दूसरे रूम में भेजते हैं जहाँ स्पीकर को पॉलीथीन से कवर करके बॉक्स में पैक करते हैं और इस तरह आपका स्पीकर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।